Good morning, everyone. I have started this journey back in, it was August 2021. So it has been 2 years. और अगस्त से पहले इन जुलाई 2021 आई स्टिल रिमेम्बर, मैं तुम लोगों की तरह था, मतलब जैसे आप लोग हमें देखने आए हो ना यहाँ पे कि हाउ दे स्टार्टेड, हाउ द जर्नी वेंट. मैंने यूट्यूब, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने यूट्यूब खोला और देयर वाज कनिष्क कटारिया, है ना, एक टॉपर थे. दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, आई स्टिल रिमेम्बर. अब मैं देख रहा हूँ भाई लड़का तो छोटा सा है, हाउ ही डिड इट एंड ऑल दैट. तो जैसे तुम लोग अभी देख रहे हो यार कैसे रही जर्नी ये सब, तो जैसे ये लड़का है, आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस भाई, हाउ इज इट पॉसिबल. तो सबने कहा कि यू जस्ट बाय सिलेबस फ्रॉम द मार्केट, ठीक है. तो आई डिड द सेम. मैं खान है यहाँ पे एक लाल चौक में, दिस दिस न्यूज एजेंसी, आई वेंट देयर, आई बॉट द सिलेबस. फिर मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता था. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सिलेबस घर लाया. फिर उसके बाद मेनी ऑफ द पीपल दे से, जैसे आप लोगों को कहते होंगे, एवरीबॉडी वुड टेल यू ऑप्शनल ऑप्शनल होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में ही, यार तुम्हें तो ये नहीं पता है हिस्ट्री में है क्या, तुम ऑप्शनल व्हाट ऑप्शनल. एंड मेनी ऑफ द पीपल, अभी जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है, इंडियन एक्सप्रेस खरीदो बाजार से और हिंदू लाओ. मैंने भी एक हफ्ते यही किया, फिर मैंने रियलाइज मैं क्या कर रहा हूँ ये. मुझे लगा ऐसे तो 12 साल तक मेरी सिलेक्शन होगी नहीं. आई वॉज 23 बैक देन. अब मैं सेप्टेम्बर में 25 हो जाऊंगा, ठीक है. एंड 2 ईयर्स इट वॉज अ जर्नी. मैं थोड़ा बिकॉज दिस रैंक 4 जो हमारे सर है, इनने आपको ही टस्ट ऑल द अदर स्फीयर्स. मुझे पता है एज अ कैंडिडेट, एज मोस्ट ऑफ यू वुड बी दोज जेन ज़ी गाइज, वी वॉन्ट इट वेरी फास्ट एवरीथिंग, है ना, हमें सबर नहीं होता है. सो वॉट आई वुड वॉन्ट टू शेयर इज, इस एग्जाम में अगर सबर नहीं है ना, तो दैट इज अ रियल, क्या बोलते हैं उसको, मतलब दैट्स अ डार्क थिंग. पहला पॉइंट है कि आपको 8-7-8 महीने यू हैव टू सेट डाउन, यू हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, बिकॉज सिलेबस ही उतना ज्यादा. इट्स नॉट कि कोई बोलेगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं. पता है इस एग्जाम में ज्यादा लोग कौन सेलेक्ट होते हैं? इंटेलिजेंट नहीं, वो जो 10th में हमें होता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो आगे जाके IAS करेगा. नो, यू वुड सी मैक्सिमम इफ देयर इज दिस लिस्ट ऑफ 220, जो ये सब लोग होंगे ना, इनमें बैठने की आदत होगी और मतलब ये पढ़ते गए और अल्टीमेटली दे मेड इट, ठीक है. आउट ऑफ 220 आई कैन अश्योर यू मोर देन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा. उनने एटलीस्ट 3 साल इस फील्ड में दिए होंगे. जैसे खुजैफ सर है, ही हैज रियली वर्क्ड हार्ड टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है ना. दैट इज हाउ वो आज यहाँ पे आपको कुछ बोल पा रहे हैं. तो व्हाट इज मतलब मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, जो मुझे अपने माइंड में एज अ कैंडिडेट, एज अ यंग वन, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज आई कैन स्टिल रिमेंबर देम अफ्रेश, ठीक है. पॉइंट नंबर 1 इज, अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता है, व्हाट शुड आई डू सर, राइट. देखो क्या करो, prelims or mains, many of the candidates would have this thing, मैं mains की answer writing लिखूंगा, ठीक है. I can give you an example. मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम एक question लिखो moonlighting पे, 120 word लिखो, what would you write? कुछ भी नहीं, तुमने अभी basic चीजें ही नहीं पढ़ी है, क्या answer writing? Just tell me, समझ आ गई मेरी बात? तुम start ही नहीं कर रहे हो, मेरे से पूछोगे सर आपने वाइवा में क्या किया था, ठीक है. वाइवा में मैं पता है कब पहुंचा था, दिस एग्जाम स्टार्टेड इन, इट वॉज ए 15-month जर्नी, जब ये एग्जाम ही चला, दिस 2022 बैच के AS, ठीक है, 15 महीने चला वाइवा. उन 15, मेरा वाइवा पता है कब था, द लास्ट कैंडिडेट आई वॉज, मैं इंटरव्यू से वापस आया एंड मेरा रिजल्ट आ गया विद इन 3 आवर्स, आई वॉज रैंक 5, ठीक है. तो वाइवा इज द लास्ट स्टेप, मतलब तुम्हारे रिजल्ट से बस 3-4 घंटे पहले तक, दैट इज द एग्जाम. दैट इज नॉट द थिंग जिस पर तुम पहले फोकस करनी है, ठीक है, कि वॉट यू डिड इन योर वाइवा. What you have to focus upon, अगर तुम्हें इस एग्जाम में सिलेक्ट होना है, तुम्हें मेंस पे फोकस करना है और प्री पे फोकस करना है. इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, यू वुड बी देयर इन द लिस्ट. तुम्हें कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता. इफ आई वुड टेल यू, एक गट फीलिंग होती है ना, हमें बचपन से पता होता है, जैसे 10वीं का एग्जाम दिया मैंने, मुझे पता था भाई 95 से ऊपर तो नहीं आएगा, मतलब इट्स देयर, ठीक है. मेरा CBSE बोर्ड था, आई वॉज इन DPS, तो मुझे पता था नहीं आएगा, मतलब उतना आई डेंट वर्क हार्ड, मतलब ठीक है आई कैन टच मे बी 89-90, तो इट्स दैट. यहाँ पे भी सिमिलरली वैसा होता है, यू गो टू सम पेपर, GS1 में फॉर एग्जाम्पल में गया, देयर वर 20 questions, जब मैंने देखा तो 17 question आते थे, मतलब जो मुझे पता है आई वुड राइट इट डाउन इन अ वेरी नीट मैनर, मुझे पता है वट वुड आई आंसर टू दीज questions. 3 of the questions were those sort of questions जो मैं I was thinking कि मतलब कुछ हो सकता है मसला इनमें, ठीक है. It's like that. इस exam में never expect आप कितना भी पढ़ो कि you would be knowing everything. Even the IAS topper भी कोई आ जाए ना आपको यहाँ पे बोले कि नहीं नहीं मुझे पहले prelim से लेकर वाइवा तक सब कुछ आया,
वो आप लोगों को शायद गलत बोल रहा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। पॉइंट नंबर वन इज दैट, अब तुम लास्ट में, तुम सिलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं अगर तुम लोग के साथ अभी 23 वाला प्रीलिम्स दूं ना, अगर मैं नहीं पढ़ूं जैसे उजैर भाई ने बोला, आई स्वेयर मैं सिलेक्ट नहीं होगा, मैं यन 10 नंबर जीएस वन असमस, दिस इज द एग्जाम, मतलब ये इसकी ब्यूटी है। अगर इफ यू जो जो इस प्रोसेस में चलता बना ना, जैसे हुजैफ सर थे, ये यूपीएससी भी कर लेंगे, बिकॉज इफ ही कनेक्ट, आप अगर मैंने छोड़ दिया, आज मैं सिलेक्ट हुआ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैनी ऑफ द पीपल आर टेलिंग मी यार तुम बहुत यंग हो, जस्ट गो फॉर यूपीएससी, द बक डजंट स्टॉप हियर, लेकिन मुझे अंदर से पता है इफ आई गो टू ट्रेनिंग और मैं किताबें नहीं, अब मैं छोड़ रहा हूँ बुक्स को, नहीं होगा मेरा, आई नो दैट थिंग इन माइंड, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट, ये थोड़ा सा था कि हाउ दिस जर्नी इज ऑल अबाउट। अब हाउ टू स्टार्ट, अब तुम लोगों को आज यू केम हियर, मेहरबानी और मेहरबानी करके डोंट ग्लोरीफाई टॉपर्स टू मच, जैसे मैं ही आया, मैं अपनी बकवास करके चला गया, इट्स जस्ट बिकॉज़ मैंने कंच कटारिया के वीडियोस देखे, ठीक है, 3-4 वीडियोस, फिर उसके बाद मैं देखता गया, अब मैं सोशल में 2014 की 15 में टीना डाबी और अथर आमिर, अब मैं इनको देखो, अरे वो बन गए आईएएस ऑफिसर्स, वो हम बन गए केएएस ऑफिसर्स, वी वुड गो टू आवर पाथ, हाँ वी वुड हेल्प यू, आप हमारे भाई हो, बहन हो, यू आर फ्रॉम जेएनके या कहीं से भी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तुम्हें अल्टीमेटली ये प्रोसेस सारा खुद करना है, ठीक है, नो बडी कैन हेल्प यू। जो असली वाला एग्जाम है ना, इसका मतलब मेंस प्रीलिम्स, तुम्हें खुद क्वालिफाई करना है, और जो घर पे तुम वो अकेले में वो घंटे गुजार रहे होगे ना, दैट इज रियली डिफिकल्ट। और बीइंग ए कश्मीरी माइसेल्फ, मैं एक बात बताऊं, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वी प्रोकास्टिनेट अ लॉट, राइट। तो अभी तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम बहुत यू वुड बी एंथुसियास्टिक टू सी अस हियर, यार हम भी करेंगे, इफ दे आर डूइंग इट हम भी करेंगे, अभी तुम घर जाओगे फिर बोलोगे बहुत थकावट हो गई, इनने बहुत बातें की, राइट, नहीं, दिस इज द रियालिटी, दिस इज द रियालिटी। और फिर बोलोगे आज इट्स आई थिंक दिस इज ट्यूजडे और वेंसडे, वॉट एवर इट इज, वेंसडे इट इज, तुम बोलोगे अब संडे को छुट्टी है ना, क्विंटेसेंस उस दिन पढ़ूंगा, उस दिन अपना पढ़ूंगा, मतलब मैं उस दिन लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा 3-4 चैप्टर। मैं आई कैन शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंसिस विद यू, बिकॉज 21 अगस्त की बात है, आज तो अभी अगस्त ही चल रहा है, मेरा चेयरमैन बोर्ड था, चेयरमैन सर वाइवा ले रहे थे 21st को, कैंडिडेट्स के वाइवा जा रहे 20 मिनट के, 15 मिनट के, जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस, मेरा वाइवा गया 45 मिनट्स का, ठीक है, दिस ईयर ऑन 21st, और आई थिंक आई वॉज द ओनली कैंडिडेट इन दिस बैच। रैंक मैं बोलूँ रैंक कैसे आई, ठीक है, जो मुझे लग भी रहा, अभी मार्क्स कार्ड अभी आउट नहीं हो गए, मुझे चेयरमैन सर ने वहीं पे बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिस गाई इन जे एंड के पुलिस, मतलब इट वॉज जस्ट कि आई एम गिविंग यू द ग्रीन लाइट, यू वुड बी देयर इन द लिस्ट, ठीक है। तो दैट्स वेयर मेरे को आई, मतलब आई केम आउट, मैंने खुदा को बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा इस बंदे की तरह आई एम वेरी टॉकेटिव, जो भी मेरे को दिमाग में होगा आई जस्ट शेयर इट विद पीपल, वॉट एवर दे थिंक इट्स ओके, ठीक है। तो यू जस्ट बी योर सेल्फ, ठीक है, एवरीबडी वुड लाफ एट यू, अल्टीमेटली फिर तू भी इस डाइस पे होगा और यू वुड बी, हाँ दैट्स कूल, मैं वही बोल रहा हूँ। तो हर किसी का इस एग्जाम में नेवर एवर ट्राई टू कॉपी एनीबडी, यू वुड बी लाइक अब हम मोइन खान को कॉपी करेंगे, हाउ ही डिड इट, मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जियोग्राफी में भी 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, डज दैट मीन अब मतलब तुम्हें पढ़नी नहीं एनसीईआरटी, स्टिल आई क्वालिफाइड विद रैंक 5 आई क्वालिफाइड, राइट। तो हर किसी का एक डिफरेंट वो है, टीना डाबी बोलेगी आपको एनसीईआरटी पढ़ो, अथर सर बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, मे बी हुजैफ सर बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, आई एम सेइंग मैंने पढ़ी नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम नहीं पढ़ो। देखो व्हाट मैटर्स इन दिस एग्जाम इज 2018 तक एक अलग पैटर्न था, तहलील सर ने आपको ऑलरेडी बोला होगा, आई थिंक तहलील सर हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज इस चीज को लेके कि ही हैज एनालाइज, मुझे लगता है कश्मीर में इफ समबडी हैज एनालाइज दिस जेकेपीएससी थॉरली इट्स तहलील सर। तो व्हाट हैपेंस इज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने 18 का पेपर लाया, ठीक है, मैंने 90s के पेपर नहीं देखे, मैंने कोई पेपर, मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम 2018, ठीक है, मैंने 2018 का आई बॉट दिस पेपर ऑफ जेकेपीएससी। तो देन व्हाट आई डिड वाज मैं सवाल देख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ यार ये तो एसएसबी टाइप सवाल है, तुम देख लेना पेपर, फिर मैंने देखा 21 का पेपर, बोलो भाई ये क्या हो गया है, मतलब यूटी बनने से पेपर में चेंज, यू वुड सी इट योरसेल्फ, जस्ट ब्रिंग द पेपर्स। मैंने बोला अब मतलब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि भाई अब 18 वाला भूल जाओ, अल्टीमेटली अब आपको 21 है, आज जो भी है इट्स दिस। तो भाई इसके लिए आई प्रिपेयर्ड इट इन द सेम मैनर, मेरे पास बस एक पेपर था, इट वॉज 2021 जेकेपीएससी प्रीलिम्स। तो मैंने बोला मतलब इसको मैं एक बेंचमार्क रखता हूँ, मुझे इस हिसाब की पढ़ाई करनी है। नाउ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल हाउ, रिसेंटली देयर वाज दिस, तुम लोग बोलते हो न्यूज़पेपर समथिंग लाइक दैट, देयर वाज दिस न्यूज इन न्यूज़पेपर, अनंतनाग में मुश्क बुद्धजी राइस, उसको GI टैग मिला, ठीक है, 2018 तक क्या करना था लेट मी टेल यू, ठीक है, तब भी एग्जाम वॉज मेरिटोरियस, यू कैन नॉट से कि तब कुछ नहीं होता था आज कुछ है, मेरिट हमेशा बराबर रहता है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो इफ इट्स डिफिकल्ट इट्स फॉर एवरीबडी, इफ इट्स इजी इट्स फॉर एवरीबडी, ठीक है. तो व्हाट हैपेंड वाज 2018 में इफ देयर वुड हैव बीन अ क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट ऑफ करंट अफेयर देयर वुड बी रिसेंटली इनमें से किस किस फलाना को जीआई टैग मिला, दिस वॉज द क्वेश्चन. आपने रट्टा मारा है या वट एवर यू हैव डन, ओके सो मुश्कबुजी राइस देखा गोल मारा भाई बन गया केएस ऑफिसर, ठीक है. दिस वॉज द केस, मतलब एटलीस्ट यू कुड हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स. नाउ आई विल टेल यू ये क्वेश्चन कैसे आएगा. Which among the following is true about the geographical indication? पहला पॉइंट, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री ये देती है, there would be some ministry, right? अब ये तो सिर्फ पहला पॉइंट है. Second point, जो GI tag है, क्या ये 20 सालों के लिए medicines को भी दिया जाता है, क्या हम देते हैं medicines को GI tag? You have to, मतलब तुम्हारे दिमाग में पता होना चाहिए information. Point number three, recently मुश्कबुजी राइस को J&K में GI tag मिला, ये तो तुम्हें पता है. लेकिन देखो अब फिर से ट्रेंड, व्हाट यूपीएससी एंड जेकेपीएससी आर डूइंग. अभी तक होता था ऑप्शंस में वन इज करेक्ट, वन एंड टू आर करेक्ट, वन एंड थ्री आर करेक्ट. तो एवरीबडी ट्यूशन सेंटर्स जो मैंने सुना है दे वुड बी लाइक देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज एलिमिनेशन. असली आता तो किसी को कुछ नहीं है बट दे एलिमिनेट, राइट. अब क्या करते हैं वो लोग, वो बोलते हैं वन पेयर इज करेक्ट, टू पेयर्स आर करेक्ट, समथिंग लाइक दैट. ऐसे ऑप्शंस आते तो एलिमिनेशन मेथड इज गॉन, ठीक है. इफ यू तुम लोगों के लिए 23 में, तुम 22 का पेपर देखो, ट्रेंड हो गया है चेंज तुम्हारे टाइम पे भी. एक ट्रेंड मेरे टाइम पे तो इट स्टार्टेड चेंजिंग, मेरा इट वाज माय फर्स्ट, तुम्हारे टाइम पे भी. अब तुम्हें यू कैन मे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इज तुम्हें समझ आ गई कि मतलब अप्रोच कैसे करना है, ठीक है. दिस इज द थिंग. और रिगार्डिंग न्यूज़पेपर्स, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू पीपल इज रिगार्डिंग न्यूज़पेपर्स. अभी तुम लोग मेहरबानी करके फॉर 2-3 months, इट्स नॉट आई एम नॉट टेलिंग यू पीपल की डोंट रीड इट, पहले थोड़ा स्टैटिक पे होल्ड रखो. एंड स्टैटिक में हाउ देयर इज दिस फॉर्मूला व्हाट आई कॉल इट बिग फाइव, ठीक है. बिग फाइव इज यू हैव द हिस्ट्री, यू हैव द एनवायरमेंट, यू हैव द जियोग्राफी, यू हैव द व्हाट एल्स, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, द बाइबल, ठीक है, एंड यू हैव द इकोनॉमी. इनका स्टैटिक पर हो. देखो मैं एक एग्जांपल बोलूंगा. इकोनॉमी में somebody would tell you start reading newspapers. तुझे अभी कुछ भी नहीं पता है. न्यूज़पेपर में आया रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया. तुझे रेपो रेट ही नहीं पता है, तू क्या कर रहा है हिंदू को देख के, और 3 घंटे, मतलब दैट इज मेरे हिसाब से दैट्स अल्टीमेट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. यू सेल्फ पता, हमेशा कोचिंग सेंटर अलग पे रखो, माँ बाप अलग पे रखो, फ्रेंड अलग पे रखो, मोइन खान को अलग पे रखो. अपनी इंट्रोस्पेक्शन जो होती है ना, मतलब ह्यूमन बीइंग बहुत स्मार्ट होता है. एवरीबडी, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें पता है कि हम किस कंडीशन में इस वक्त, और एवरीबडी वुड बी इन अ डिफरेंट कंडीशन फैमिली वाइज, पढ़ाई में, ठीक है ना. तो दैट इज द केस. तो इंट्रोस्पेक्ट खुद से करो कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे उतना सा आता है, ठीक है. वन मोर थिंग, आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. अब पीपल वुड स्टडी लक्ष्मीकांत, है ना, एवरीबडी ऑफ यू वुड. देयर इज अ चैप्टर दिस इलेक्शन कमीशन, करंट कहाँ पे रोल प्ले करता है. मैनी ऑफ देम वुड टेल यू करंट नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ करंट. आई कैन अश्योर दिस थिंग, जो भी मेरे को लड़के पूछेंगे अबाउट 2023 प्रीलिम्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक आर्टिकल आया अखबार में रिसेंटली, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उनने कहा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अपोजिशन लीडर, वी आर गोना चूज द सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर डिड, एक बिल लाई, सो ही सेड नो, माय कैबिनेट मिनिस्टर, मी एंड द अपोजिशन लीडर. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आ सकता है कि हाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुड बी इलेक्टेड. तुम लोग का जब तुम पेपर देके आओगे, यू आर गोना टेल मी, आपने बोला था लक्ष्मीकांत पढ़ो, दैट वाज इट. क्वेश्चन क्या आ गया, इट वाज देयर इन लक्ष्मीकांत. हाँ, देयर कैन बी अ पॉइंट कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने टाइम तक आता है, ठीक है, हु इज करंटली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मे बी लक्ष्मीकांत कवर्स दोज थिंग्स. लेकिन जो डायनेमिक है उसको आपको इसके साथ मतलब जोड़ने की जरूरत होती है. लेकिन दैट इज द सेकंड स्टेप, यू कैन नॉट क्लाइंब, मतलब पहले ही मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं सेकंड फ्लोर पे जंप मारूंगा नीचे से, यू हैव टू क्लाइंब अप द लैडर, राइट. तो पहला काम तुम लोग ये करो, जो मैंने बिग फाइव बोला, यू जस्ट स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत. व्हाई? बिकॉज वो सबसे डेंजरस बुक मानी जाती है फॉर द बिगिनर. तुम जब उसको देखते हो ना, इतनी मोटी किताब, भाई ये लोग झूठ बोलते हैं, इनने कहां से याद की होगी, है ना. ये सिंपल है, मुझे भी, मैं ये झूठ, ये अपोजिस आ रहा है, ये आते टॉपर फिर लगाते हैं ये वो व्हाट आई कॉल इज राडे, है ना, मतलब ठीक है, बोला मैंने 20 बार पढ़ ली. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग ऑनेस्टली, मतलब अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ तुम लोग को, आई रेड इट 12 टाइम्स.
और मुझे खुद भी नहीं पता है दो साल में कैसे मैंने पढ़ी बारह बार, बट हाँ एक चीज थी, देयर वाज दिस कंसिस्टेंसी। माय प्रोसेसेस, मेरी जर्नी बहुत छोटी रही अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ टू ईयर जर्नी, एग्जैक्टली अगस्त टू अगस्त, अगस्त 2021 टू अगस्त 2023, और उसमें 15 महीने मैंने एग्जाम दिया, 9 महीने मैंने प्रिपेयर किया, लेकिन फॉर दोज 9 मंथ्स देयर वाज दिस टाइम टेबल ऑफ 9। यू कैन इवन आस्क दिस थिंग टू माय मदर, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 1 PM इन द आफ्टरनून, एंड 1 to 2 मैं नमाज वमाज भी पढ़ता था और मतलब खाना वाना खाया, उसके बाद बैठा कुछ गाने वाने सुने। आई नेवर डीएक्टिवेटेड माई इंस्टा, आई नेवर डीएक्टिवेटेड माई फेसबुक, आई नेवर डीएक्टिवेटेड माई टेलीग्राम, आई नेवर डीएक्टिवेटेड एनीथिंग ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन हाँ, इस पे पता है मैटर क्या करता है, ये तुम्हें अपने तक होना चाहिए। जब मैं 2 बजे के बाद बैठता था, फोन भी खुला होता था, मैं उसको रखता था म्यूट मोड होता ना फोन में, साइड पे मतलब मेरे बेड के साइड पे एक टेबल था, वहां पे टर्न करके फिर 5 बजे के बाद देखता था, ठीक है, और फिर मैं वॉक पे चला जाता था 1-2 घंटे, आई वॉक एवरी डे, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग, मतलब 6 घंटे अगर मैं दिन में दे रहा था ना, लेकिन मुझे लगता है कि उन 6 घंटे में हार्डली आई प्रोकेस्टिनेटेड फॉर 15 to 20 minutes। और जब स्टार्ट किया ना मैंने जर्नी, आई स्टिल रिमेंबर जब अगस्त की मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा था इट्स इम्पॉसिबल, मेरे से नहीं हो पाएगा फॉर द फर्स्ट 2 months। जब फिर एक फ्लो बना ना, मैंने कंप्लीटेड लक्ष्मीकांत फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और वॉट आई कंप्लीटेड वॉज द पार्ट इंडियन पोलिटी पे लक्ष्मीकांत इज 11 parts, आई कंप्लीटेड द फर्स्ट 3 parts, फिर मुझे एक रिलीफ आ गया, नो आई कैन डू द अदर बुक्स ऑल्सो, राइट। तो जस्ट स्टार्ट विद, मैं पर्सनली तुम्हें बोलना चाहूंगा कि फिलहाल न्यूज़पेपर्स छोड़ दो, इफ यू आर अ बिगिनर न्यूज़पेपर्स छोड़ दो, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्टैटिक फर्स्ट, ठीक है। जस्ट स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टाइम टेबल ऑफ 6 hours a day, 3 hours जस्ट गिव टू लक्ष्मीकांत, हैव सम टारगेट्स, ओके। और पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, मैंने खोला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द चैप्टर नंबर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, मैंने बोला मुझे इसमें 13 साल लगेंगे याद करने में, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ उस टाइम पे अपने आप को, 10-11 साल में ही हो जाएगा, हे यार ये होने वाला याद तो है नहीं, इतने पॉइंट्स है उसमें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ समथिंग समथिंग, गुड गवर्नेंस एक्ट, है ना। तो व्हाट आई डिड वाज, फिर मैंने सोचा जो 12वीं तक पढ़ाई होती है इससे कुछ अलग जाना है, अदरवाइज आई वोंट क्रैक दिस एग्जाम। व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक स्कीम लाई, आई बॉट 3 markers ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो आई कैन इवन शो यू माई बुक्स, व्हाट आई डिड वाज, मैंने पहले 1 marker से मतलब आई स्टार्टेड रीडिंग, जिसको हम फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, मैंने पहले पूरी किताब पढ़ी और थोड़ा अंडरस्टैंड भी किया, और जहां पे मुझे समझ नहीं आता था, जैसे देयर वाज दिस टॉपिक पार्लियामेंट चैप्टर, आई स्टिल रिमेंबर द स्टेजेस ऑफ बजट, मुझे समझ ही नहीं आता क्या अप्रोप्रिएशन, क्या फाइनेंस बिल, मुझे समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने आई ओपन दिस यूट्यूब, मैंने लगाया वहां पे स्टेजेस ऑफ बजट, और मुझे लगता है द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम इज इसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, खासतौर पे जब से 2014 के बाद जियो और ये नेट हो गया ना बहुत आम, यू सी इतना ज्यादा कंटेंट है ना, इसमें प्रॉब्लम ये देयर आर सम एग्जाम्स जिनमें कंटेंट ही नहीं, मतलब आपको मिलता ही नहीं है कुछ, ये वो एग्जाम है जहां आपको इतना ज्यादा अंबार मिलेगा, आपको बोलना नहीं भाई रुक मैं बस ये पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस एग्जाम, हुजैफ सर बोलेंगे मैंने वो पढ़ा, मैं बोलूंगा मैंने कुछ पढ़ा, लेकिन एक चीज जो सब कोई बोलेंगे, आई इवन आस्क देम, क्या आप सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, जस्ट स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत फर्स्ट, ठीक है। सब टॉपर्स अगर आपको बोल रहे हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ी है, दैट मींस देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस बुक, राइट। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, एंड मुझे उसके बाद लगता है कि दिस जर्नी, इसमें आपको 7-8 महीने 6-6 घंटा देना है एटलीस्ट, और वो भी प्रोकेस्टिनेशन के बिना वाला, ठीक है। डे हैज 24 hours, 8 hours ऑफ स्लीप, 6 hours ऑफ स्टडी, 2-3 hours ऑफ कोचिंग, वट एवर इट इज, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर एवरी 2 days, कि मैंने किया क्या इन 2 दिन में, ठीक है। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, ट्रस्ट मी, आप इस प्रोसेस में आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी हार्ड वर्किंग हो, यू वुड नेवर एवर क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम है वो वाली दौड़, वो होता है ना वो, जब मैनी वुड हैव टोल्ड यू, मतलब वो कछुए वाली दौड़, दिस इज दैट टाइप ऑफ एग्जाम ना। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा तुम लोगों को, आजकल एक बहुत गंदा नोशन क्रिएटेड है कि भाई इस एग्जाम में आना है, 5 साल, क्या 5 साल, 5 साल मजाक लगता है तुम लोगों को, लक्ष्मीकांत और ये किताबें 5 साल पढ़नी होती है, फिर तुम अपने आप को फूल कर रहे हो, राइट। देर आर मेनी हु क्वालिफाइड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तुम्हें एम वही रखनी है कि भाई मैं दे रहा हूं, आई हैव टू क्वालिफाई, जस्ट आस्क, देर आर 2 good friends ऑफ माइन, मेरे भाई और बहन है फरहाना मैम एंड अबरार, व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर इंटरव्यूज, मैं मेंस में भी बोलता था, माई फादर टोल्ड मी कि तुम, मुझे नहीं लगता सिलेक्ट भी हो गए, तो चुप पारान की ही, ठीक है। आई टोल्ड हिम पापा रैंक 1, अबरार टोल्ड मी, ये सब बहुत होते थे इंटरव्यू से पहले, डगमगाए हुए इधर पे क्विंटेसेंस में भी, आई वाज कूल, आई केम हियर, मैंने बोला जो भी होगा मुझे, मैंने बहुत पढ़ाई किया, आई हैव दिस कॉन्फिडेंस, मुझे अगर तुम लोग कुछ पूछोगे, आई नो सम पॉइंट्स अबाउट दैट,
तो आई एम कॉन्फिडेंट मैं रैंक वन आऊंगा, इफ नॉट रैंक वन रैंक फाइव आई एम. तो ये होता है, इफ वॉट एवर यू मैनिफेस्ट ना वो होता है रियली, और इस्लाम भी यही बोलता है. तुम अगर शिकस्त दोनोगे ना पहले से, दिस इज रियल, दिस इज रियल, इवन हिंदुइज्म बुद्धिज्म एवरी एवरी इन एवरी रिलीजन दिस इज देयर. जस्ट बी कॉन्फिडेंट और दूसरे को मत देखो, वॉट एवर ही इज डूइंग वॉट एवर शी इज डूइंग. अगर मुझे यूपीएससी के लिए भी जाना है ना, मेरे लिए कोई बेंच मार्क नहीं है. माई रोल मॉडल इज माई फादर, दैट्स इट. मुझे जाना है बिकॉज मैं आई एम गेटिंग रैंक फाइव, मेरे को पैशन अपना केपीएस में है, मुझे कोई मसला नहीं, नहीं जाऊंगा मैं जूनियर स्केल में. अल्टीमेटली वॉट इज वॉट लाइफ इज, आप जब खुद खुश हो एंड कोई भी दूसरी चीज इट हार्डली मैटर्स. तो ये उन लोगों के लिए जो यहाँ माँ बाप के प्रेशर से आए, सो सो बचपन में तेज बहिमतम, तू इजिली करेगा. तुम एक बार अपने आप के प्लीज जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ठीक है. अगर इफ यू आर विलिंग टू गो ऑन दिस पाथ, ओनली देन गो ऑन दिस पाथ, राइट. देर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है बस के एस करके तुम्हें हमने. आई टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो, यहाँ पे आई डोंट नो वॉट इट इज, ग्लोरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा है एंड दिस इज बैड. तुम लोगों ने अभी ये देखा, अभी ये नहीं घर जाके सोचना नहीं, मामा अब मैं आपको दिखाऊंगा मोइन खान उसने क्या क्या बोला, मैं अभी ऐसी हूं ना. दिस ओके, द सेशन इज ओवर, दैट्स इट. जस्ट गो होम, खोल लक्ष्मीकांत और उसको पढ़ने लग, बोल आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म करूंगा, दो साल बाद तू भी यहीं पे होगा, ठीक है. दिस इज दीज आर सम.